मिसेस कौशिक की पांच बहुएं। दादी साहब, अम्मा साहब। आ गए अम्मा साहब। आज खाने में क्या है? हमें बहुत भूख लगी है। खाने को दो ना। पहले तुम ऐसा करो, कमरे में जाओ, कपड़े बदलो, मुंह हाथ धोकर फिर आओ, तब तक खाना बन जाएगा। अब क्या करेंगे अम्मा साहब? तो एक काम कर, उन्हें फल काट कर खिला दे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, तब तक खाना भी बन जाएगा। वैसे अम्मा साहब, आज तो ना भगवान ही मालिक है, यहाँ पर खाना नहीं बना है और वहाँ पर निम्मी बहू और गैना बहू का पता नहीं क्या हाल। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नमक चाहिए। अरे मैडम जी, मेरा है। निम्मी, सॉरी जी, गलती हो गई जी। लीजिए लीजिए लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, अभी लाए अभी। ये भाई साहब, आपके नमक 14 रुपए, और देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा पॉकेट में इतना सारा टाइम खराब कर दिया। ओ भाई, सुनिए ना, बड़ी भाभी, वो सामान के पैसे नहीं देखे क्या? वो सामान के पैसे नहीं देखे क्या? 540 रुपए, वो भी नहीं देखे क्या पैसे? नहीं बड़ी भाभी, बुजुर्गों ने ठीक कहा है, जिसका काम उसी को साजे, तू जा करे तो ठेंगा बाजे। बिट्टू, तूने किचन का क्या हाल किया? जी भाई साहब, तो ये टोपी पहन लीजिए। छोड़ टोपी पहन। जी हमारी दुकान का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। मैं कब से तुम्हारे लिए दरवाजा खोल के रखी हूँ। अच्छा जी, वो मैं बैंक से। टैंक से? अरे टैंक में पानी भरा है, चल फटाफट सफाई कर दे, घर गंदा रहेगा तो बहू आके बेकार का चिक चिक करेगी, चला। अरे आप गलत समझ रही है, मैं काम वाली नहीं हूँ। हे भगवान, ये तो भैरी है, इन्हें कैसे समझाऊंगी अब मैं? सुनिए मैं। हाँ हाँ, वो ये लो। ये क्या किया है तुमने? अरे मैडम, मैंने क्या किया? दिख नहीं रहा है तुमको? पूरा मेरा मुंह काला हो गया। हटो, मेरी गाड़ी से हटो, निकालो ये सब, नहीं कराना है तुमसे सर्विस, निकालो अभी। कार्तिक ने ठीक ही कहा था, ये काम इतना आसान भी नहीं है। लवली, और चैलेंज कर कार्तिक को, देखिया क्या करना पड़ रहा है, बर्तन धो, झाड़ू करो, पोछा करो, ये तो यहीं पर देखे जा रही है। देखिए, मैंने और फोर्स मंगवाई है, आप यहीं पर इंतजार कीजिए और तुम लोग मेरे साथ आओ। मुझे बरगढ़ की कसम, मुझे ये हाल क्या कर दिया दुकान का, जिम्मी देवी की। अरे तुम लोग दुकान की ऐसी हालत करके हंस रहे हो? ओ बड़े भैया, आपकी हालत। तूने कभी इनको इतना हंसते हुए देखा है? वो सब तो ठीक है अम्मा साहब, लेकिन ये लोग एक दूसरे की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभा पाए। तो के होया बिंदनी, जिंदगी को समझने के लिए जितना पास होना जरूरी होता है ना, उतना ही फेल होना भी जरूरी होता है। यही जिंदगी का सबक है, हमारी बात ध्यान से सुन ले। आदमी एक दूसरे से कमजोरी से जुड़ता है, तभी तो दो आधे अधूरे लोग मिलकर एक जीवन को पूरा बना देते हैं।